वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे ओके आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय क्लास सर एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज़ फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन इसके रिलेटेड मैंने एक लेक्चर कल अपलोड किया था जिसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ही पोअर रहा तो चले भाई बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है इस चैनल के बारे में तो जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि सर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीजी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचना चाहे और वो आपके लिए क्या आपको इसके लिए क्या करना है जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आप लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही होगा एंड वॉट यू नीड इज आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो भी आपके रिलेटेड uh, ग्रुप्स है कॉलेज के तो वहाँ से आपको ये शेयर करना है ठीक है तो चले बेटा आज हम नेक्स्ट uh, जो लेक्चर है कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन एंड वी कैन से व्हाट इज़ प्राइमरी एजुकेशन सो टूडे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ठीक है बेटा तो अगर आप लोगों ने आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है वो जाके आप ज्वाइन कर लो क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी आ, जो कंटेंट मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी सिलेबस यहाँ पे होगा उसके रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे एंड दैट वीरी फ्री ऑफ कॉस्ट ओके तो इसलिए आप ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि जो भी रेलिवेंट यू नो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी या रिलेवेंट मटेरियल आपको दिया जाएगा तो वो वहां से ही शेयर होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ठीक है तो चले बेटा आज के टॉपिक की ओर आज का टॉपिक क्या है एग्जैक्टली इट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अगर आपको बेटा याद होगा कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो उन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो दैट विल हेल्प यू इन एक्सप्लेनिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और यू कैन से एलिमेंट्री एजुकेशन जस्ट सेकेंड माइंडियर Okay, beta. So Charlie, I have just 7, eight points to discuss. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैन एक्चुअली एक्सप्लेन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बस इन ही चार पर, देखो बेटा नोट्स में आपको ये पॉइंट्स में डिटेल में आपको मिल जाएंगे लेकिन यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा लेकिन इसका जो डिटेल्ड नोट है वो आपको व्हाट्सएप में ही मिलेगा वंस वी कंप्लीट वन यूनिट तो वन यूनिट के बाद आपके साथ वो मटीरियल शेयर किया जाएगा ठीक है तो जुड़े रहे अपने शायद सर के साथ तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन तो यू कैन सी माय डियर ये जो कहते हैं ना जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो बिल्डिंग बनाने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट इज़ द बेस दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इज़ वाई जब हम एजुकेशन की बात करते हैं एजुकेशन को डेवलप करने के लिए द बेसिक सिस्टम मस्ट बी स्ट्रांग सो दैट इज़ वाई बहुत सारे ऐसे फिलासफर्स है साइकोलॉजिस्ट्स है एजुकेशनस्ट हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट करार दिया गया क्यों करार इंपॉर्टेंट करार दिया गया बिकॉज ऑफ दीज वेरी मच्स जो हम अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, इट इज ऑफ पर अमाउंट इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी देखो बेटा अगर आप लोग अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो The only factor there is एजुकेशन अगर हम हमारे सोसाइटी में हमारे समाज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो मान के चलिए इफ वी अटेन हंड्रेड परसेंट लिटरेसी रेट इसका मतलब है हमारी कंट्री जो है इट इज अ डेवलप्ड कंट्री राइट माय डियर तो अगर आप 2011 थाउजेंड की आ, बात करोगे रिपोर्ट की बात करोगे या लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करोगे जो हमारा लिटरेसी रेट है ओवरऑल लिटरेसी रेट है वी हैव नॉट अटेन हंड्रेड परसेंट दैट्स वाई कंट्री इंडिया इज डेवलपिंग इट नॉट डेवलपड तो मैंने वन पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो मैथ एजुकेशन है दैट प्राइमरी एजुकेशन मैथ एजुकेशन दैट इज प्राइमरी एजुकेशन उसको यूनिवर्सलाइज करना प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो लेट एस सी बेटा वाई आई हैव रिटर्न हेयर मैंने क्यों लिखा कि प्राइमरी एजुकेशन पर अमाउंट इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए इट इज देयर बिकॉज देयर आर सम इलिमेंट्स दैट एक्सप्लेन इज दिस इंपॉर्टेंस तो नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों है वन बाई वन हम आपको बताएंगे द फर्स्ट पॉइंट इज माई डर इट इज फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग जब हम बेटा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं ना हमारे अंदर कुछ लिटरेसी स्किल्स होते हैं जिनको कल ही मैंने डिस्कस किया था थ्री आर्स थ्री आर्स वट इज थ्री आर्स रीडिंग राइटिंग एंड रिदमेटिक कैलकुलेशन तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हम बेसिक एजुकेशन से ही प्रोवाइड कर सकते हैं तो बेसिक एजुकेशन बोलो प्राइमरी एजुकेशन बोलो या एलिमेंट्री एजुकेशन बोलो वे अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा इट इज एक्चुअली इट बिकम्स फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो याद रखेंगे बेटा द फर्स्ट पॉइंट वाई Primary education is important because it is the foundation for lifelong learning. I hope beta point number one is clear. ओके नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन देखो बेटा आए दिन आप आप हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो राइट टू एजुकेशन या अगर आप बेसिक एजुकेशन की बात करोगे गांधी सिस्टम ऑफ एजुकेशन या कोठारी कमीशन की बात करोगे बहुत सारे ऐसे कमीशन हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करो ठीक है तो एक एक स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फॉर ऑल सिक्स टू फोर्टीन इयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको यूनिवर्सलाइज करो ठीक है बेटा तो प्राइमरी एजुकेशन इज द स्टेप इज द स्टेप बाय विच वी कैन यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू एजुकेशन सो याद रखेंगे द फर्स्ट पॉइंट वॉज इट इज द फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग वेरी गुड ये तो सर समझ में आ गया नंबर नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन तो यूनिवर्सल हम प्राइमरी एजुकेशन को आम कर सकते हैं ठीक है बेटा सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नंबर नेक्स्ट इज बेटा कल ही मैंने इसके बारे में बात की होलिस्टिक डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम इसमें बच्चे में तमाम चीजों को डेवलप करना चाहते हैं कॉगनेटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है तो प्राइमरी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ वॉट ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड तो तीसरा पॉइंट भी बेटा आपको समझ आ गया वट डू यू मीन बाई होलिस्टिक डेवलपमेंट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑल राउंड जिसमें फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल सारी चीजें इसमें आती हैं तो डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा टर्म है अम्बरेला टर्म है जिसमें तमाम डायमेंशन होते हैं और प्राइमरी एजुकेशन का फोकस होता है इन तमाम डायमेंशनस को अचीव करना चाहे वो फिजिकल है सोशल है कॉग्निटिव है या इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हो और इमोशनल ठीक है सो प्राइमरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर व्हाट डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड चाइल्ड आई होप बेटा इट इज 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 क्लियर वन द डेवलप्ड इसके अंदर ऑटोमेटिकली पर्सनल ग्रोथ एंड वो अपने सेल्फ को पहचान सकता है सेल्फ एस्टीम तो देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज है जो कहते हैं कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम सेल्फ एस्टी डेवलप होना चाहिए एंड इट इज पॉसिबल फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप बचपन से ही बच्चे की आ, बच्चे की सेल्फ को तैयार कर रहे हो तो इसका मतलब है इसके अंदर पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एस्टीम आ सकता है तो व्हाट इज द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वी कैन वी कैन मेक द चाइल्ड वी कैन मेक द चाइल्ड सेल्फ एस्टीम्ड तो हम अपने बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं जिससे उसका पर्सनल जो भी एट्रीब्यूट है वह ग्रो हो सकता है ठीक है तो दिस वाई बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन की जो एज है ना सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स राइट तो इस बच्चे को आप किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो किसी कि, 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 किसी की किसी डायरेक्शन में आप इसको ग्रो कर सकते हो इसके अंदर सेल्फ एस्टीम सेल्फ रेगुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ uh, इसी बेसिक uh, एज uh, से डेवलप कर सकते हो सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेल्फ एस्टीम अगर हम बाद में देखेंगे भाई बाद में डेवलप होगा तो फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फ्रजाइल होते हैं वेरी यू नो सॉफ्ट एज होती है तो आप इस सॉफ्ट एज को किसी भी दिशा में uh, बदल सकते हो सो दैट इज़ वाई दिस द पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एस्टीम के लिए भी क्या जरूरी है बेटा प्राइमरी एजुकेशन उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ओके आगे बढ़ते हैं ओके अगर बच्चे में ये सारी चीजें होंगी ना तो मेक श्योर sure करेंगे आगे जाके वो एक बेहतरीन सिटी शहरी बन सकता है उसके अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ सकती है अगर हम इस एज को नेगलेक्ट करेंगे इस एज को यू you नो know, माला हम इसको ना टाइम देंगे केयर देंगे तो इसका मतलब है कल जाके ना ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबल सोशल सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बनेगा इसके अंदर वो सिटीजनशिप uh, वाली क्वालिटीज uh, नहीं बनेगी तो इसलिए क्या करना है बिफोर बिफोर द अडल्ट जो बिफोर बिफोर द चाइल्ड मूव टूवर्ड्स द अडल्टशिप तो जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन है इस एजुकेशन से हमें उसमें वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट डालना है दैट यू आर अ रेस्पॉन्सिबल आपको ये करना है आपको वो करना है राइट एंड रॉन्ग है ना उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह दिस इज ह्यूज टॉपिक बट आई होप यू आर एक्चुअली गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाहता हूं तो सिटीजनशिप क्वालिटीज एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे में डेवलप होती है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन देयर इज ए नीड एंड इट इज इंपॉर्टेंट ओके नाउ एग्जैटली नंबर नेक्स्ट इज बेसिक लाइफ primary एजुकेशन में basic, basic life skills में आपका अगेन आएगा रीडिंग राइटिंग वगैरह वगैरह ठीक है तो इसमें ये भी आ सकता है और हाँ अपने हेल्थ और well being का ख्याल रखना तो हेल्थ एंड being टेकिंग दिस पॉइंट इन consideration अगेन प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ठीक है तो मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का कॉन्सेप्ट अगर हम प्राइमरी लेवल में बच्चों को देंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि वो अपने सेहत का कितना अच्छे से ख्याल रख पाएंगे ठीक है जब बच्चा एडोल्सन में आता है ना तो कुछ सबस्टेमस यूज डिसऑर्डर्स उसमें आ जाते हैं फूड रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाते हैं या तो वो ज्यादा खाएगा बीज ईटिंग या तो वो कम खाएगा या तो खाना ही पसंद नहीं करेगा देहराज एनोरैक्शिया ब्लूमिया नर्वोसा बीज ईटिंग जैसे डिसऑर्डर को मिलते हैं लेकिन अगर हम ऐसी चीजें हम इनको प्राइमरी लेवल में सिखाएंगे तो यह प्रॉब्लम तक नहीं आ सकती है समझ आ गया तो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कॉन्सेप्ट डेवलप करना तो किस स्टेज में प्राइमरी एजुकेशन में

है ना तो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल व्हेन वी प्रोवाइड एजुकेशन चलो मान के चलते हैं इन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है प्राइमरी एजुकेशन के बाद लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में हम इसको कुछ बेसिक स्किल्स सिखाएंगे बेसिक स्किल्स सिखाएंगे वोकेशनल स्किल सिखाएंगे ताकि वो अपना जो ब्रेड एंड बेटर बटर एम है वो प्राइम वो खुद मतलब वो कमा सकता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो भी हमें कहाँ से ही शुरू करना है प्राइमरी एजुकेशन से ठीक तो आई होप बेटा दीज एट पॉइंट्स आर very much clear in 8 points is aapko kya mila Ke these 8 points actually explain need and importance of primary education now see sir there is a need and important there is need and importance of primary education because of the following points number 1 it is the foundation for lifelong learning very nice it is uh universalization access to education okay uh, there is holistic development in a child uh, personal growth and self esteem in our child citizenship uh, and social responsibility number next is basic skills basic life skills and then is health and well being and the last point is economic development so this this was the lecture that is act that ex, ex, uh, that actually explains uh, need and importance of primary education umit karta hu ki a chase se aapko ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा ठीक है तो चले बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप uh, ग्रुप है वो जाके ज्वाइन कर लो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लस शेयर बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ओके थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग